हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे डिजिटल प्रमोशन पोस्टर। सो अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल प्रमोशन पोस्टर किसे कहते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है इसे ही बोलते हैं डिजिटल प्रमोशन पोस्टर, की आपकी जो वीडियो है उसको आप डिजिटली करेंगे सोशल मीडिया पर, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रमोट। सो आजकल सभी म्यूजिक वीडियोस का क्रिएट हो रहा है डिजिटल प्रमोशन पोस्टर। सो अगर आप इस टाइप के पोस्टर्स क्रिएट करना सीख लेते हैं तो आप इजीली फ्रीलांस काम उठा सकते हैं डिजिटल प्रमोशन पोस्टर्स का। इस टाइप के प्रमोशन पोस्टर्स क्रिएट करने के लिए पहले चाहिए होगा आपको एक सिंपल पोस्टर, और वो पोस्टर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको पोस्टर्स क्रिएट करने आते हैं। अगर आपको पोस्टर क्रिएट करने नहीं आते तो आप किसी पोस्टर डिज़ाइनर से पोस्टर क्रिएट करवा सकते हैं और उसी पोस्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल पोस्टर में। सो वही मैं बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दे प्रेस इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे। जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी मैं लेके आऊँगा वो टॉपिक सिर्फ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, मोशन पोस्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फोटोशॉप को, और फोटोशॉप में हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक न्यू फाइल जो कि है हमारा मेन स्टेप। सो उसके लिए हम जाएंगे फाइल, न्यू पे हम कर देंगे क्लिक और आपके सामने ओपन होगी एक न्यू टैब। इसमें आप अप्लाई करेंगे विड्थ और हाइट सेम जो कि मैंने अप्लाई की हुई है यहाँ पर। ये सेम विड्थ और साइज वो है जो कि अप्लाई होती है इंस्टाग्राम पे। अगर आप कोई और विड्थ एंड हाइट अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी इंस्टाग्राम पे अपलोड करते टाइम। तो चलिए ये करने के बाद अब हम करते हैं ओके। सो ओके करते ही हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पे अब हम अप्लाई करेंगे अपने पोस्टर को। ये है वो पोस्टर जिसे मैं कन्वर्ट करूंगा एक डिजिटल प्रमोशन पोस्टर में। आप सिंपली पिक एंड ड्रैग कर देंगे अपने पोस्टर को अपनी फाइल के ऊपर। तो इसकी अब हम बनाएंगे एक डुप्लीकेट कॉपी, और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जे को। कंट्रोल जे प्रेस करते ही आपकी क्रिएट हो जाएगी एक डुप्लीकेट कॉपी, और इस कॉपी को आप कर देंगे हाइड। इसकी विजिबिलिटी कर देंगे हम ऑफ। सो एडजस्ट करने के बाद अब मैं इस पोस्टर को करूंगा मास्क। सो मास्किंग करने के लिए मैं यूज़ करूंगा पेन टूल का। सो पेन टूल का यूज़ करके आप अपने सब्जेक्ट को करेंगे मास्क, और मास्क करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो करते हैं सबसे पहले इसे मास्क। सो जब भी आप मास्किंग कर रहे हो तो मास्किंग के टाइम आप बिल्कुल आराम से और ध्यान से करें मास्किंग, क्योंकि अगर आपकी मास्किंग ठीक नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका पोस्टर बिल्कुल ही लगेगा अनप्रोफेशनल। सो इस पोस्टर का मेन स्टेप यही है कि आप बिल्कुल ध्यान से करें मास्किंग। और अगर आपको पोस्टर क्रिएट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी 110% हेल्प करूंगा जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा। सो फटाफट से करते हैं मास्किंग को कंप्लीट और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सो ये मास्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे इस पर थोड़ी सी फैदर। सो फैदर अप्लाई करने के लिए आप यहां पर करेंगे राइट क्लिक, आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैदर का। आप फैदर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं रिफाइन एज पे। सो इस पे अप्लाई करके देखते हैं रिफाइन एज। रिफाइन एज पर जाने के बाद आप यहां से सिलेक्ट करेंगे थोड़ी सी स्मूथनेस, थोड़ी सी फैदर एंड दैट्स इट। और अब आप कर देंगे इस ऊपर वाले पोर्शन को डिलीट। सो ये डिलीट हो चुका है और इसे कर देंगे हम फाइनल। सो ये हो चुका है हमारा नीचे का पोर्शन क्रिएट, और अब हम क्रिएट करेंगे अपना अपर पोर्शन। जो हमने डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की थी अब उसे अब हम करेंगे ऑन। सो इस लेयर को ऑन करने के बाद इसे अब हम करेंगे एडजस्ट।
इसी मेथड के साथ आप अपने किसी भी म्यूजिक वीडियो के पोस्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रमोशन डिजिटल पोस्टर में। सो इसे थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ से हम नीचे से इसे कर देंगे डिलीट। इतना एरिया अब हम नीचे का कर देंगे डिलीट। सो ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है इसे अब हम कर देंगे ऑफ। सो ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप इसे करेंगे अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद ये जो यहाँ पर आई बनी हुई है इसे आप कर देंगे इस पर क्लिक। सो क्लिक करते ही ये लेयर हमारी हो चुकी है हाइड। आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो। सो एक बार ही डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इतना सब कुछ करने के बाद अब आप जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। आप जाएंगे फाइल, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, यहाँ पर आप कर देंगे ओरिजिनल पे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे जेपैक, जेपैक को आप कन्वर्ट कर देंगे पीएनजी 24 में। पीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद आप इस फाइल को सिंपली कर देंगे सेव, जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। सो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और जो कि है बहुत ही सिंपल। वैसे तो ये पूरा मेथड ही बहुत सिंपल है। और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे प्रीमियर प्रो में। सो गाइज अब हम आ चुके हैं प्रीमियर प्रो में, और सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक न्यू सीक्वेंस। सो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे फाइल, न्यू, और सीक्वेंस पे आप कर देंगे क्लिक। सो क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी एक न्यू टैब, और आप जाएंगे इस टैब में सेटिंग पे। सेटिंग में आप सबसे पहले जाएंगे एडिटिंग मोड में, और एडिटिंग मोड में आप सेलेक्ट करेंगे कस्टम को। सो कस्टम को सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे फ्रेम साइज पे। जो हमने फ्रेम साइज अप्लाई किया था फोटोशॉप में, सेम साइज अप्लाई करेंगे इधर। सो इधर हम करेंगे सबसे पहले 1080, एंड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1350। सो लास्ट में आप कर देंगे ओके। सो सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद अब हम इंपोर्ट करते हैं अपने उस फाइल को जिसे हमने क्रिएट किया था फोटोशॉप में। सो उसे आप करेंगे इंपोर्ट। सो इंपोर्ट करके आप इसे ड्रैग कर देंगे अपनी टाइमलाइन पर। सो जब भी आप इसे ड्रैग करेंगे आपने ध्यान रखना है कि आप इसे ड्रैग करेंगे V2 लेयर में, मतलब कि आपने फर्स्ट लेयर पे इसे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आएगी हमारी वीडियो जो कि आपको दिखेगी यहाँ पर बैकग्राउंड में। सो इसे आप ड्रैग कर देंगे लेयर 2 में। सो ड्रैग करने के बाद अब हम इंपोर्ट करेंगे अपनी उस वीडियो को जिसे हम फ्रेम करना चाहते हैं अपने इस पोस्टर में। तो ये है हमारी वीडियो। सो इसे मैं कहीं से भी कर लेता हूँ कट। कट करने के बाद इसे मैं ड्रैग कर दूंगा अपनी फाइल के पीछे। सो फाइल में ड्रैग करने के बाद अब मैं इसे करूंगा थोड़ा सा स्ट्रेच। सो स्ट्रेच करने के बाद इसे हम थोड़ा सा करेंगे अब एडजस्ट। सिंपली आपने इसे पोजीशन ऑप्शन को यूज करके करना है एडजस्ट। सो एक बार मैं आपको डिजिटल प्रमोशन पोस्टर जो हमने अभी क्रिएट किया है उसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ, बट इसकी आपको ऑडियो नहीं मिलेगी क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। जब भी आप अपना पोस्टर क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस है आप अपने सॉन्ग की ऑडियो तो रखेंगे ही। सिंपली आप अपनी उतनी वीडियो को कर देंगे प्ले जितनी वीडियो को आप शो करना चाहते हैं अपने पोस्टर में। सो ये था एक मेथड डिजिटल प्रमोशन पोस्टर क्रिएट करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के कर दें शेयर, और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को कर दें प्रेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की और वीडियो आपके साथ करते रहेंगे शेयर।